Good morning, students. How are you all? I hope you all must be fine and enjoying your study through our YouTube channel and clearing up all your doubts which are arising in your minds. Students, have you ever wondered कि हमको पता कैसे चलता है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? दुनिया तो इतनी बड़ी है ना? और ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि दुनिया गोल होती है ना? तो इस गोल से दुनिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा हिंदुस्तान कहाँ पर है, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस राउंड से शेप में इसको लोकेट कर कैसे कर लेते होंगे? ऐसा तो नहीं है कि आज हमने इंडिया को कहा यहाँ पर है, तो क्या वो एग्जैक्ट पोजिशन हो सकती है? हम कैसे कह सकते हैं अगर इंडिया है वो एशिया में आता है तो हाउ वी कैन सी दैट हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम इंडिया? ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते होंगे? या फिर अगर हम ये कहें कि अगर इंडिया की सिचुएशन हम ये कहें कि अगर एक पॉइंट पर यहाँ पर है तो उससे कनाडा, रशिया और बाकी सारी कंट्रीज कैसे दूर होते होंगे? कैसे डिस्टेंस को मेजर करते होंगे? कैसे लोकेट करते होंगे इस गोल से अर्थ पे कि इंडिया यहाँ पे, रशिया यहाँ पे, कनाडा यहाँ पे, चाइना यहाँ पे? हाउ ऑल दिस थिंग कैन बी स्टडीड एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी All these kind of things. कि हमारी जो अर्थ है जिसका राउंड सा शेप है उसमें भी हम कौन कौन सी कंट्रीज को किस किस बेसिस पे कैसे लोकेट कर लेते हैं, एक छोटे से ग्लोब में पूरे वर्ल्ड को हम किस तरह से लोकेट कर लेते हैं और वो एग्जैक्ट पोजिशन पे आती है. कहीं भी हम अगर मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का या किसी भी अदर कंट्री का तो उसकी एग्जैक्ट पोजिशन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में कैसे वो सेम रखते हैं कि वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में हमेशा बनता है. ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे. फाइन, सो लेट्स डिस्कस. टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एन इमेजिनरी लाइंस मेड ऑन द अर्थ सर्फेस. फाइन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड शेप नहीं है. जैसे हम ऑरेंज या एप्पल देखते हैं वो थोड़ा सा बीच में बेंड किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे बेंड डिप है. फाइन, तो अब इस वाली पोजीशन में अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है और यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज आ जाते हैं तो कैसे? इतना इजी तो है नहीं इस चीज को लोकेट करना. तो इस चीज को लोकेट करने के लिए कुछ इमेजिनरी चीजें हैं जो बनाई गई हैं एंड विच इज बीइंग फॉलोड बाय एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड उस चीज को फॉलो अप करती है. उससे क्या होता है, कई फायदे होते हैं. व्हेन वी वांट दैट वी शुड बी लोकेटिंग वेयर आवर कंट्री इट इज वेरी मच इजी टू लोकेट इट आइदर ऑन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और ऑन द ग्लोब. Let's see how. This is our earth. Fine? On this earth, this is one imaginary line known as equator, equal part mein divide karne ke liye. Fine? On this, like we know the direction east, west, north and south. Fine? So, according to it, north and the south pole, this is the equator which is an imaginary line which divides the earth into two equal parts. The northern part, like northern part, is known as north pole or the northern hemisphere, and the southern part known as, this is the south pole where it is southern hemisphere. Fine, so this is an imaginary line. Why it is made? Because so many things has to be done on this earth surface, and once if one imaginary line is there, we can easily locate so many things upon it. Fine, वो बहुत ही easy हो जाता है पढ़ना, जानना और समझना. This is the equator, और equator की अगर हम diameter की बात करें तो it is 12,760 kilometers. Fine, so this is the diameter of equator, which is an imaginary line which divide the earth into two equal parts, northern hemisphere and the southern hemisphere. Fine? And the shape of the earth is not circle,
It's not oval, it is G-joint in shape. Fine. So, this pole is known as north pole and this pole is known as south pole. Fine. Now, what do you mean by longitude and latitude? Fine. Before studying about longitude and latitude, let us discuss one more thing, that our earth is not like a total circle, it is G-joint in shape. Apart from it, it is slightly tilted from its axis. ये जो point होता है ना, इसको हम बोलते हैं axis, right? और ये जो है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो थोड़ी सी अपने shape में ऐसे बनती हुई वो tilt, जैसे कि ये है, आप लोगों ने globe भी देखे होंगे, तो globe कैसे बनाते हैं? यहाँ पे जो shape बनाते हैं earth का, वो थोड़ा सा bend होता है, ये थोड़ा सा shape बेंड होता है. क्यों बनता होता है? ये 23.5 डिग्री बेंड होता है हमारा और अपनी ये जो एक्सिस है ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है तो ये थोड़ा अपनी एक्सिस से बेंड होता है 23 डिग्री. फाइन. और ये इक्वेटर उसको आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ. नाउ वी विल बी स्टडी अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. फाइन. Dear students, now let's study about latitude first. Latitude is derived from the Latin words later, which means wide. Fine. The circumference of the earth, is 25,000 miles. If we divide it by 360, complete circle, 1 degree latitude is equal to 69 miles or 111 kilometers. Fine. 8 degree ka matlab 111 kilometers. Now let's see how. As we have discussed earlier, equator is on 0 degree. Now if we move 1 degree towards the north pole, this is our north pole and this is our south pole. Isn't it? So this means 111 kilometer. 1 degree means 101 kilometer. Then again we draw a parallel line, move 111 kilometer. 2 degree, right? Same, we move on 111 kilometer. 3 degree, again we will move on 101 kilometer, 4 degree. Again, we are going to move for 111 kilometers, 5 degree, and so on. Right? Till 90 degree, we will be moving. Right? This will be we are moving towards the north pole. Same thing will happen when we will move towards the south pole. We will move in 1 degree, 111 kilometers towards the south. Again 111 kilometers, 2 degree, 111 kilometers, 3 degree and so on till 90 degree. Right? But one thing which one has to keep in mind is that these degrees, the circumference keeps on decreasing. Jitna equator ke paas 1 degree ka jo circumference hai, 111 kilometers ka, 2 degree pe wo thoda sa reduce ho gaya. 3 degree pe wo usse bhi kam ho gaya. 4 degree pe usse bhi kam ho gaya. Kyun? Kyunki this is the shape. If this is to यहाँ से reduce होते होते, जब हम north pole तक पहुँचते हैं, तो वो बस एक point ही रह जाता है, ठीक है? क्यों रह जाता है? हमने पहले discuss किया, यहाँ से थोड़ा सा merge है, थोड़ा सा bend है, तो यहाँ पे उसको कुछ area नहीं मिलता, तो हम 90 degree लेते हैं, वो सिर्फ एक point है. Same thing is there in if we talk about south pole also.
जब हम साउथ पोल में जाते हैं 90 डिग्री में, तब हमारे 90 डिग्री भी एक सिर्फ एक पॉइंट में ही बनता है. तो ये जब हम 101 किलोमीटर 101 किलोमीटर धीरे 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 करके when we kept on increasing the degrees and we have calculated how the degrees has came out, the circumference of the earth is 25,000 miles when we divided it by 360, which is a complete circle. So 1 degree is equal to 69 miles or 101 kilometer. That means for moving 1 degree on the earth, we need to move for 101 kilometers. So we have already discussed that 0 degree stands for the equator, and when we will be moving towards the north, 1 degree we have walked, it means 101 kilometers, then again 101 kilometers, 2 degrees, 3 degrees and so on. इसी तरह से जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाते हैं और अंत तक जाते जाते, मतलब 90 डिग्री पे जाते जाते, हम लोगों को सिर्फ एक पॉइंट मिलता है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल. राइट, सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. Yes, friends, now we will be studying about some of the important lines of latitude, right? This is our earth and this 0 degree is our equator, we have already discussed. If we move towards the north at 23.5 or 23.5 degrees, we get a line that is known as Tropic of Cancer, right? And if we move on 66.5 degree towards the north, we get Arctic Circle, right? And same towards the north, if we move, we will get Tropic of Capricorn. And towards 66.5 degree south, we will get Atlantic Circle. This is the South Pole and the North Pole. Now, what happens? This Tropic of Cancer passes through few of the countries. Mexico, Egypt, Saudi Arabia, India, Southern China, right? And this Tropic of Capricorn passes through few countries like Chile, Southern Brazil, South Africa and Australia. Today, all these lines matters a lot according to the climatic condition of a country. Okay, let's see how. Yes, friends, now we will be discussing that how the whole world can be divided into three parts on the basis of heat which it received from the sun, right? And this zone also affect the climatic condition of one country to the another country. Like, it can be divided into three parts: torrid or tropical zone, second is temperate zone and frigid zone. If we talk about the earth, this is our earth, this is our equator, 0 degree, this is Tropic of Cancer, this is Tropic of Capricorn, right? And this is north and south pole, north pole and the south pole. This is equator, we already know. Now, from equator, 23.5 degree north and 23.5 degree south. This much area is a torrid zone or a tropical zone. Why? And this area is very hot. This area is very hot. Why it's so? Aisa kyun hota hai? Dekhi. If we say, suppose this is our sun, तो जो sun की जो rays है ना, वो directly यहाँ पे बहुत directly पड़ती है, ठीक है? तो ये जब rays यहाँ पे बहुत directly पड़ती है, तो यहाँ पर जो है heat बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? जब heat ज्यादा होगी तो obviously वाला temperature ज्यादा होगा. So that's why this area of the earth is very hot. And those countries which will be lying in this area
will be receiving most amount of heat. That's why these climatic condition of this country, these places will be very, very hot. We have already discussed that how, which are the countries which falls under the tropic and Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So, here the Tropic of Capricorn or Cancer ke beech mein jo ye jo countries aa rahi hain, isme hamara India bhi aata hai, wahan pe jo temperature hota hai wo bahut hi high hota hai. Aur agar hum yahan pe move karte hain, fir move towards the north, again from northern hemisphere till 23.5 degree north to 26.5 degree north, this area of north hemisphere and the same 23.5 degree south and 26.5 degree south, this much area, the middle part of this area, इसको हम बोलते हैं temperate zone. मतलब यहाँ पे जो temperature होता है, it is neither too hot neither too cool. Means so and so kind of temperature is being found. So these countries, those countries which must be falling into this categories are neither too hot neither too cool. But यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज होती है वो थोड़ी तिरछी पड़ती है. स्लैंटिंग रेज आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द सन. बट ऑल दिस पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल फिल्ड जोन, दीज आर द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव द मिनिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. अब नाउ यू विल बी सेइंग दैट जब सन इतना बड़ा है, द सन इज सो ह्यूज एंड द अर्थ इज सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ सन, देन व्हाई it is so that it is not being able to receive the sunlight throughout the year? It is so because we have said, we have discussed that the poles are slightly bent from its side and the earth is quite tilted. How much tilted? 23.5 degree, it is tilted. So it does not, these area are not able to get the proper amount of sunlight from the sun. That's why most of the year these areas are being covered by snow. साल के अधिकतर महीने ये जो area है north pole और south pole को, जिसको हम Antarctic और Arctic circle भी कहते हैं, वो दोनों हमेशा cover up होते हैं snow से. बिल्कुल बर्फ ही बर्फ हर जगह नजर आती है. क्यों नजर आती है? क्योंकि यहाँ पे जो sun के rays है वो तीन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े तपे हुए एरियाज होते हैं. तो यहाँ पर दीज आर वेरी कोल्ड. यहाँ पे लाइफ स्टाइल, वेजिटेशन, ह्यूमन बींग का रहना बहुत ही मुश्किल है इन वेरी हॉट टेम्परेचर टॉर्ड जोन. फ्यू ऑफ द कंट्रीज आर देयर ओवर देयर, द वेजिटेशन आर ऑल्सो देयर बट द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड पीपल आर लिविंग ओवर देयर. In temperate zone, south and north, both the places, very nice amount of vegetation are being formed. People are living over there. But if we talk about these extreme climates, these are very cold. Both the north pole and the south pole, Arctic pole and the Atlantic pole, north and south are very cold. Cold zone over there, the temperature is very low and the survival of the life is very, very difficult over there. So we have studied that in the earth these latitudes are parallel to each other. They are not intersecting each other. They are always parallel. एक के बाद एक आता है, लेकिन एक दूसरे को overlap ये लोग नहीं करते हैं. और we have discussed so many things to locate the things about it. We will be discussing more and more about it. We have discussed about latitude. We will be discussing about longitude, how the temperature has been keeps on changing, how the location are being located on different maps, how the time set is there, which being followed by all around the world. सबके लिए same होता है, ऐसा क्यों होता है? ये सब चीजों के बारे में हम लोग अपने अगले lecture में पढ़ेंगे. और अभी के लिए आप लोग ने ये जाना कि लैटिट्यूड क्या होता है, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको मिल गई है. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट एंड एंजॉयड फॉर वॉचिंग. थैंक यू.